तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, आई एम चरण भाई। तो गाइस, आज हम इस वीडियो पे एक न्यू कार्टून मेकर एप्लीकेशन लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए। तो गाइस, अगर आप मोबाइल से कार्टून एनिमेशन वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप इस एप्लीकेशन से आप इजीली कार्टून वीडियो बना सकते हैं अपने एंड्रॉयड मोबाइल से, ठीक है। और बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है, मैं इस एप्लीकेशन को यूज किया हूं, ठीक है। और इस एप्लीकेशन से आप खुद का कस्टम बैकग्राउंड या खुद का कैरेक्टर भी ऐड कर सकते हैं और वीडियो बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा एक एप्लीकेशन है। तो इस एप्लीकेशन का क्या नाम है, इस एप्लीकेशन को आप कहाँ से इंस्टॉल करोगे, इस एप्लीकेशन से कैसे आप एनिमेशन वीडियो बनाएंगे, सब कुछ मैं ये वीडियो पर आपको डिटेल स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ। तो गाइस, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन आता है उसको भी प्रेस करके ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिए ताकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियो लाते रहते हैं इस चैनल पर। गाइस, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको आना है क्रोम ब्राउजर में, और क्रोम ब्राउजर में आने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है पॉपी टून्स प्रो मोड एपीके, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए सर्च कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है पॉपी टून प्रो मोड एपीके डाउनलोड, तो ये लिख कर आपको सर्च कर देना है। और जैसे सर्च करोगे ये फर्स्ट नंबर पर जो वेबसाइट आ रहा है, ठीक है, happymode.com, ये वेबसाइट को आपको ओपन करना है। एंड ओपन करने के बाद गाइस ये देखिए ये एप्लीकेशन आ जाएगा। तो आपको नीचे जाना है, नीचे जाने के बाद यहाँ पर देखिए डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, चलिए मैं आपको मार्क करके दिखा रहा हूँ। तो ये डाउनलोड ऑप्शन पर आपको क्लिक करके इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई देगा, फर्स्ट डाउनलोड, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और डाउनलोड हो जाएगा। तो ऑलरेडी मेरा डाउनलोड किया हुआ है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस एप्लीकेशन से आप कैसे कार्टून एनिमेशन वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो गाइस, इस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद गाइस कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर सामने आ जाता है। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ पर देखिए ओपन का जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप जितने भी प्रोजेक्ट यहाँ पर क्रिएट करके रखे हैं यहाँ पर दिख जाएगा। तो यहाँ से आप इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर आप जो है एडिट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर अगर आप न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर क्रिएट का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर आपको इमेज सिलेक्ट करने के लिए बोल रहे हैं, तो आप देखिए यहाँ पर नीचे एक न्यू का ऑप्शन है, इस न्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए तीन चार ऑप्शन खुलकर सामने आ जाएगा, एक फ्रॉम गैलरी। तो यहाँ पर जो गैलरी ऑप्शन है, तो यहाँ पर फ्रॉम गैलरी ऑप्शन पर क्लिक करके आप चाहे तो आप खुद का कस्टम कैरेक्टर या बैकग्राउंड आप ऐड कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ से एक बैकग्राउंड को ऐड कर लेते हैं, इसी बैकग्राउंड को ऐड कर लेते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर बैकग्राउंड जो है ऐड हो चुकी है। तो इस तरीके से आप जो है बैकग्राउंड को ऐड कर सकते हैं। तो नीचे आपको पिक एनिमेशन का ऑप्शन दिखाई देगा, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसी एप्लीकेशन में आपको कुछ जो है डिफ़ॉल्ट यहाँ पर कैरेक्टर देखने को मिलेगा। इस कैरेक्टर को आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं अपने वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए हम यहाँ से एक टाइगर को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद डन पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर देखिए ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बाद नीचे आपको हैंड ड्राइंग का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ से क्लिक करके आप जो है ड्रॉ करके भी आप जो है कैरेक्टर बना सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आप कैरेक्टर बना सकते हैं यहाँ पर ड्राइंग करके, है तो यहाँ पर कैरेक्टर बना सकते हैं यहाँ पर ड्राइंग करके, खुद का कैरेक्टर अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। तो गाइस, इस टाइप से आप जो है यहाँ पर कैरेक्टर बना सकते हैं। मैं इतना अच्छा नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी वीडियो बना रहा हूँ। तो इस टाइप से आप कैरेक्टर बना सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर राइट टिक पर क्लिक कर देंगे तो ये आप देखिए यहाँ पर आप जो भी कैरेक्टर बनाया हुआ है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ से कैरेक्टर को सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ पर एक छोटा सा एनिमेशन आपको क्रिएट करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैं एक बंदर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पर एक क्या है ये वाला आदमी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आपको भी इस तरीके से सिलेक्ट करना है। नीचे डन का ऑप्शन दिखाते हो तो यहाँ पर डन ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना। इसी डन ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको सारे काम करना होगा, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर कैरेक्टर आ चुकी हैं। तो चलिए हम यहाँ से कैरेक्टर को साइड पर रख देते हैं, और आप चाहे तो कैरेक्टर को इस तरीके से छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर यहाँ पर मैं थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो आपने बॉर्डर देख रहे हैं, इस बॉर्डर पर आपको काम करना होगा, ठीक है। तो यही आपके वीडियो में दिखाएगा, बाकी नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सारे काम करना होगा, ठीक है। और ये ऊपर में देखिए आपको तीन चार जो है बटन दिखाई देगा यहाँ पर ऑप्शन, यहाँ पर देखिए तीन चार ऑप्शन दिखाई देगा। तो चलिए मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूँ कि किस ऑप्शन का क्या काम है। यहाँ पर एक रेड कलर का गोल बटन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करके आप जो है एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक करके रिकॉर्ड कर सकते हैं, और यहाँ पर प्लस वाला जो आइकॉन है, इस प्लस आइकॉन पर क्लिक करके आप इमेज को ऐड कर सकते हैं, ऐड टाइटल लिख सकते हैं, डुप्लीकेट कर सकते हैं, और आप जो भी इमेज को आप ऐड किया है उसके यहाँ पर आप रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट जो ऑप्शन है पेंसिल, इस पेंसिल ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर स्टॉप एनिमेशन मिरर
और रिमूव फ्यूचर मूव्स, ये सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो उसके बाद गाइस नेक्स्ट जो ऑप्शन है यहाँ पर की तरह देख रहे हैं, इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप एडजस्ट कर सकते हैं, ऑप्टिमल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारा आप कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखा दूँगा एक एक करके कि कैसे आप करना है। तो देखिए गाइस यहाँ पर कैरेक्टर ऐड हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर बैकग्राउंड ऐड करना है, तो बैकग्राउंड कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पर थ्री डॉट का जो ऑप्शन देख रहे हैं इस पर आपको क्लिक करना है। डिसलेक्ट ऑल के नीचे एक बैकग्राउंड का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कलर का ऑप्शन दिखाई देगा, तो यहाँ से आप जो है कलर बैकग्राउंड भी आप ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आप खुद बैकग्राउंड ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर इमेज का ऑप्शन है, इस इमेज ऑप्शन पर क्लिक करना है। और इमेज ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है आप बैकग्राउंड को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर बैकग्राउंड ऐड हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर बैकग्राउंड हमने ऐड कर लिया। अब हमें यहाँ पर एनिमेशन क्रिएट करना है, तो एनिमेशन कैसे क्रिएट करेंगे चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर कैरेक्टर को हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपको करना है कि यहाँ पर जो रेड कलर का ऑप्शन देख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करोगे तो कुछ इस टाइप के जो है यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा रिकॉर्डिंग टूल का, ठीक है। तो आपको सिंपल से यहाँ पर रिकॉर्ड ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, और जैसे रिकॉर्ड ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से अगर आप इसको मूव करेंगे तो देखिए ये पूरा जो है इस टाइप से यहाँ पर रिकॉर्डिंग हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए मैं आपको एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पर बंदर जो है इस टाइप से जो है मूव होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखिए गाइस यहाँ पर हमने और एक कैरेक्टर जो है यहाँ पर ऐड की है, तो ये कैरेक्टर है लेफ्ट साइड में दिखा रहा है, ये कैरेक्टर लेफ्ट साइड में दिखा रहा है, तो इसको आप राइट साइड भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर जो पेंसिल की तरह आइकॉन है इस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर देखिए मिरर का ऑप्शन है, इस मिरर ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो आप देखिए यहाँ पर ये राइट साइड में आ जाएगा। तो इसको भी आप इस टाइप से एनिमेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एनिमेशन हो गया, आप यहाँ पर प्ले करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए कुछ इस टाइप से आप इस एप्लीकेशन से एनिमेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने कुछ गलत कर दिया है क्योंकि रिकॉर्डिंग चालू था और मैंने आपको दिखा दिया है, तो इसे भी आप सही कर सकते हैं। तो देखिए तो इस टाइप से एनिमेशन आप बना सकते हैं, ठीक है। वीडियो बनाने के बाद इसको सेव करना है, तो सेव कैसे करेंगे चलिए मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर देखिए एक शेयर का ऑप्शन दिखाई देगा ऊपर में, देखिए इस शेयर ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये मूवी एक्सपोर्ट होगा, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर उसके बाद आपकी गैलरी पर सेव हो जाएगा, और आप चाहे तो आप किसी अदर सोशल मीडिया पर आप शेयर कर सकते हैं। और अगर आप खुद का वॉइस ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, कार्टून वीडियो में वॉइस तो होना ही चाहिए, तो वॉइस अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो वॉइस ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर देखिए एक म्यूजिक का ऑप्शन दिखाई देगा, इस म्यूजिक ऑप्शन पर क्लिक करना है, और रिकॉर्ड आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा इस रिकॉर्ड, तो रिकॉर्ड ऑप्शन पर क्लिक करके आप जो है खुद का वॉइस भी रिकॉर्ड कर सकते हैं इसी एप्लीकेशन से, ठीक है। तो बढ़िया एप्लीकेशन है, आप चाहे तो इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं, और आप मोबाइल से कार्टून एनिमेशन वीडियो बना सकते हैं। इतना गाइस आज का वीडियो, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।